खांसी हो गई रेडी स्कूल जाने के लिए। ओहो खांसी हो रही है, दवाई कर दिया खांसी जुकाम। और यहाँ पे दादी का बन रहा है घी, शंभू देख रहा है, शंभू देख रही कैसे दादी घी बना रही है। दादी को देख रहा है इस घर में लास्ट घी बनते हुए। सही बात है, इस घर में लास्ट घी को देखते हुए शंभू देख रहे हैं कि दादी लास्ट घी है हमारे घर की। दादी चांद बोलने वाला चलो चलते हैं आपके स्कूल। मैं अभी काशी को छोड़कर आ गया हूँ स्कूल से। तब तक दो बच्चे थे यहाँ पे, काशी और शंभू। अब यहाँ पर दो और बच्चों की लग चुकी है अटेंडेंस। भी बैठे रहते थे गांव में, जाऊंगा मक्खन भी लेकर रोटी में, मंडवा की रोटी में, इतना टेस्टी होता था मामा। चलो बच्चे तो बैठ रहे, लेकिन सीमा तुम क्यों बैठ रहे हो भाई, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम आओ गेट से। अच्छा, तुम्हें शंभू को पकड़ा और मैं नहाने जाऊं। बहुत ध्यान से देख रही है, आंखें नहीं हट रही उसकी वहां से। बिल्कुल नहीं है ना मामा। शंभू मक्खन खाएगा? खिलाया मैंने उसे भी। अच्छा, नन्नू मक्खन खाएगा? मक्खन खाएगा? मक्खन आज तेरे को मक्खन मिलेगा टिफिन में, स्कूल में लेके जाएगा, मैडम को भी खिलाना, बोला दादी मेरी मक्खन बनाती है। तो फिर सीमा जो कासे के लिए गिफ्ट लिया उसको असेंबल करते हैं, दिखाते हैं आपको आगे भी। रुकिए, क्या आप ही मेरी तरह अपने झड़ते हुए बालों को लेकर परेशान हैं? मुझे तो मेरे टूटे हुए बाल हर जगह दिखाई देते हैं, जैसे कि कॉम, पिलोज, बेडशीट या फिर मेरा मोबाइल ही क्यों ना हो। लगातार बालों की गिरने की वजह से मेरे बालों का वॉल्यूम बहुत कम हो गया था, जिस वजह से मैं कोई भी हेयर स्टाइल नहीं कर पा रही थी। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया मामा अर्थ का रोजमेरी शैम्पू एंड कंडीशनर, जिसने मेरे हेयर को स्ट्रेंथ दिया और 93% हेयर फॉल कंट्रोल करने में मदद की। मामा अर्थ शैम्पू एंड कंडीशनर में है रोजमेरी और मेथी दाना का गुड कॉम्बिनेशन, जो कि हमारे हेयर को स्ट्रेंथ देता है और हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ हमारे उलझे बालों को भी सुलझाने में मदद करता है, जिस वजह से अब फालतू के बाल नहीं टूटते हैं। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट हार्मफुल केमिकल फ्री और नेचुरल होते हैं। मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव एंड इंडियन ब्रांड है। अब DIY करने की जरूरत नहीं है, जब मेथी दाना की गुडनेस हमें एक सुपर्ब से बॉटल में मिल रही है। जब भी आप मामा अर्थ से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ये आपके ऑर्डर के अगेंस्ट एक ट्री को प्लान करते हैं और उसकी एग्जैक्ट जियो लोकेशन एंड पिक्चर आपको सेंड भी करते हैं। मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको मामा अर्थ वेबसाइट, मामा अर्थ ऐप, Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल पर मिल जाएंगे। मामा अर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च की है, जिसमें यूजर्स अर्ली एक्सेस करके सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मामा अर्थ के प्रोडक्ट Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट और पर्पल पर मिल जाते हैं, बट मामा अर्थ के स्टोर भी अवेलेबल है। आप मुझे कमेंट में बताना आपके नियर बाय कौन सा मामा अर्थ का स्टोर पड़ता है। और हाँ दोस्तों, आप मेरा कूपन कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं, मैं कूपन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। बाय बाय दोस्तों। जैसे कि काशी जा चुकी है स्कूल, और हमने बोला था कि जब काशी और बच्चे चले जाएंगे स्कूल तो हम असेंबल करेंगे काशी को जब हम गिफ्ट लाए, पर ये भी चले गए जिम। अब मैं हो गई हूँ थोड़ा सा कंफ्यूज कि इसको अभी असेंबल करूँ या जब काशी आ जाए तब करूँ। फिर मैंने सोचा जब काशी आ जाएगी तो उसको कैसे पता चलेगा एकदम से सरप्राइज, क्योंकि उसके सामने असेंबल करूँगी तो उसे धीरे 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 एक्साइटमेंट होगी, उसका एक साथ देखने की एक्साइटमेंट होगी ना वो अलग ही होगी। इसलिए मैंने सोचा मैं असेंबल कर लेती हूँ, पापा की हेल्प ले लेती हूँ और पापा के पास मैं जा रही हूँ अभी। ये रहे पापा। पापा अपनी वीडियो देख रहे होंगे? हाँ बिल्कुल। वो वाली ससुर वाली ना, बिल्कुल चाय बना दे। चाय तो पापा यहाँ देख रहे, मैंने यहाँ छुपा रखा था कल। तो ये रहा बॉक्स, वो देखो, सुन रहे हो? ये देखो, ये आज देखो पापा, मैंने कल डाल रखा था वो। तो लेके जाते हैं इसे और असेंबल करते हैं। ये रहा, और पता है शंभू सो गई है इसीलिए सब काम हुए जा रहा है, वो देखो वहां सो रही है। पापा कह रहे मैं भी
चढ़ूंगा इसके ऊपर अभी। मजेदार है। तो हेलमेट ले लूंगी और ये ले लूंगी जो घुटनों पे लगते हैं नीस और प्रोटेक्टर, ताकि गिरे तो थोड़ा समझ जाए। अच्छा आप काशी के एक्साइटमेंट दिखाते हैं आपको थोड़ी देर बाद, कैसा लगता है उसको। मैंने तो ऐसी फोन उठाया था, काशी आ गई है और देखो की नजर सीधा यू में। काशी क्या है वो? क्या है? तो मुँह में पूरा चॉकलेट लगा गया है। काशी हाँ पहले सूज उतार के आओ, जाओ जो सूज उतार के आओ, आपके लिए सरप्राइज है, जाओ जाओ सूज उतार के आओ। जिस तरीके से रखा है तैयार करके ये देखो, ये चढ़ा लो कासू। क्या है वो? ये उसको बाइक बोलती है। कासू कैसा है? अरे वाह, खुद ही बता रही है उसकी दीदी। अरे वाह, थैंक यू कौन बोलेगा? थैंक यू मम्मी। पापा ने लाया, पापा ने क्या बोलेगा? बाइक मैंने जैसे सोची थी उससे भी अच्छी आई है, पूरे उसमें ना मतलब लाइटिंग भी लगी हुई है साइड में भी। ये देखो कैसे लग रहा है। नीचे चलाओ, अभी पहले हेलमेट लाना बाकी है ताकि तू गिरे तो। हेलमेट हेलमेट हैवी है, अच्छी है, मेरे को लगा तो तुम्हें पसंद आएगी। ये देखो तेरी देखा चला ले रही है, देखा। काशी तेरी दादी को डाउट था कि तू चला पाएगी कि नहीं। ये देखो ये देखो मैं तो बहुत डर रही थी कि चला भी नहीं पाएगी। मेरी बाइक आई है, मेरी बाइक आई है। तो अभी दोस्तों आ गया हूँ मैं नीचे, काशी चला रही है अपना ऊपर बाइक, एंजॉय कर रही है। और आज जो है हमें कुछ सामान लेना है, तो वही सामान लेने के लिए जा रहे हैं। सचिन भी आ गए नीचे, तो बहुत सारे सामान हैं छोटे मोटे जो कि लेने हैं मार्केट से, तो बस अभी वही लेने चल रहे हैं और हो सकेगा तो दिखाएंगे आपको। दोस्तों बाहर गए थे सामान लेने के लिए, जैसे दिखाया था मैंने, सामान आ चुका है। सामान क्या लिया है कि फ़ैन लिए हैं, सीलिंग फ़ैन लिए हैं और एग्जॉस्ट फैन लिए हैं बाथरूम के लिए, किचन के लिए। किचन से तो चिमनी लेंगे लेकिन हाँ बाथरूम के लिए लिए हैं। तो वो बस पहुंचा दिए हैं मकान में। और ये रहा खाना, इसी इसमें टमाटर भी होता है। प्याज कहाँ है रे? उसके नीचे है। अच्छा। और शंभू देख रहे हैं यहाँ पर टमाटर और प्याज। खाओगे आप भी? खाओगे? वहाँ देखो वो अपने खा के बस कार्टून देख रही है। काजी तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। थैंक यू, नमक भी लेकर आ गई सीमा। थैंक यू। लाइव है, ये लाइव है। थैंक यू। तो अभी लेकर आ गया हूँ काशी को स्कूल से, और सामने ही है गन्ने का जूस। तो काशी कह रही गन्ने का जूस पीना, पीने जूस गन्ने का। काशी को स्कूल से लेकर घर, वहाँ पे कर रही है सीमा वेट, थोड़ी सीमा नीचे आ रही थी। हेलो कासू, आपको क्या चाहिए? जेली बेली, गन्ने का जूस। दोस्तों दिन के बज गए हैं 12:30, कासी भी आ गई है घर, गन्ने का जूस भी पी लिया है जो लिया था रास्ते से। लेकिन ये तो खाली जेली बेली, क्योंकि इसे गन्ने का जूस उतना पसंद नहीं है। मूड के ऊपर है तो बस अभी जो है, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि 15 तारीख को शिफ्ट कर जाएं, है ना, तो जो नया घर बन रहा है शिफ्ट कर जाएं, तो उसके लिए पैकिंग वैकिंग उसकी मैंने शुरू कर दी है करनी। और जो ये नीली पन्नियाँ है ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारे पीछा नहीं छोड़ रही हैं, लगभग 3 साल तक यही कर रहे हैं। नीली पन्नी लाते हैं, पैक करते हैं, फिर उसको कहीं रख के आते हैं, फिर उसके बाद दोबारा घर ढूंढते हैं, फिर ऐसे। तो फाइनली हमारी जो क्या होता है तलाश है वो खत्म हो गई है। तलाश खत्म हो चुकी है, तलाश मेरी खत्म हो गई थी 18 अप्रैल 2018 को, जब मैंने सीमा को पाया था।
दोस्तों जिस ब्लॉग में आपको इनके ऐसे चुटकुले सुनने को मिलेंगे, लोगों के लिए चुटकुले, हम तुम्हारे लिए तो होंगे, तुम्हारे लिए तो होंगे वो बातें, बाकी के लिए तो चुटकुले ही हो, चुटकुले हैं। और ऐसे ही हंसीदार चुटकुले सुनने के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना भी ना भूले। तो मैं दिखाता हूँ आपको, आप ये पन्निया देख रहे हैं ना अभी, ये तो मतलब कपड़े ही हैं, पैकिंग वैकिंग कर ली है अभी। क्या ऑर्डर कर रही है काशी? कौन कौन सी चीज ऑर्डर कर रहा है? क्या ऑर्डर कर रहा है? कौन कौन सी ऑर्डर कर रही है? तीन चीज ऑर्डर कर रही है। अच्छा, ये कर ले ऑर्डर कर ले, मंगा सबके लिए, मंगा दे सबके लिए, मंगा दे नानी के लिए, दादी के लिए, सबके लिए मंगा ले। हाँ मंगा दे, फोन कर ले। ये तो आई नानी जी लेकर शंभू के लिए स्वेटर, क्या बात है। ये अच्छा लग रहा है यार, रंग रंग ना खिल भी रहा है, वो खिल के आ रहा है रंग बहुत ज्यादा। तो अभी हो गया दोस्तों टाइम शाम का, और शाम का टाइम हो गया और हम लोग जा रहे हैं नीचे। और जब से ये दोस्तों ये बाइक आई है ना, तब से तो काशी ने कसम से जान खा रहे की मतलब इंसान पीछे पड़ रही है। बाइक बाइक बाइक, हम सोच रहे थे कब ले जाएंगे इसे बाहर, जब हेलमेट वगैरह आ जाएगा काशी का, पर वो मान ही नहीं रही है। तो इसका ऐसा हो गया है, रात में सोएगी, सुबह उठेगी, स्कूल जाने के लिए बाइक चाहिए, बाइक चाहिए भाई। तो अभी नीचे लेकर आ गए, लेकिन इसको चलाएंगे अपने नए वाले घर में, छत पे चलते हैं सीधे और वहीं चलाएंगे इसको। आ गए यहाँ पे, काम हो गया। ये तो अभी आ गए हैं हम घर देख के नीचे, काशी की स्कूटी के साथ में, और आज हमारे साथ में भ्रमण कर रही है नानी जी, सासू जी कर रही है भ्रमण साथ में बच्चों की नानी। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं नीचे से घूम फिर के ऊपर, और टाइम दिखाता हूँ मैं आपको, टाइम हो गया है 9:30, और आज है दोस्तों सचिन और अंजलि की मैरिज एनिवर्सरी, तो वही सेलिब्रेट कर रहे हैं बाहर। तो थोड़ा दिखाते हैं आपको और लेके चलते हैं बाहर, काशी यहाँ पर रेडी है। हाँ चल रहे हैं अंदर, चलो अच्छा कैंडल लेके आ जा रही है यहाँ पे, ये हॉट केक बहुत कम लोगों को रिसीव होती है। खाना पीना खा लिया है दोस्तों, और इसी के साथ में करते हैं आज का ब्लॉग एंड, और जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक न्यू ब्लॉग में। टिल देन आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय शंभू।